स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लास्ट खत्म हुआ था, आप लोग बैक साइड में थे, आप लोगों ने दोनों हैंड्स को टर्न करके और यहाँ पे खत्म करा था, राइट साइड डायगोनल में। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हम राइट हैंड को नीचे से घुमा के और सामने टर्न करेंगे। फिर से देखिए, राइट हैंड को नीचे से घुमाएंगे, 1 2 डायरेक्ट सर के ऊपर लेके और आपको टर्न लेना। फिर से 5 6 7 गो, 1 2 3 4 नाउ 1 2 3 में आपको दोनों हैंड्स को ओपन करके उत्पत्ति मुद्रा में। नाउ यहाँ से आपकी स्टेप क्या होगी, आपको पहले लेफ्ट साइड जाना है और राइट लेग क्रॉस करना है 1, और जितना आप पीछे झुकेंगे उतनी अच्छी स्टेप लगेगी, 1 2 3 and 4। स्टार्टिंग 2 में आपको नीचे झुकना है और बाकी 2 में आपको नॉर्मल जाना है। अब जब आप स्टार्टिंग 2 स्टेप करेंगे तो फर्स्ट वाली में आपको लेफ्ट हैंड को नीचे घुमा के और वापस करना है, देन राइट साइड जाना है और राइट हैंड घुमाना है। कैसे, 1 2 आप जितना पैर खोलेंगे उतना आप बैंड कर पाएंगे। फिर से 5 6 7 गो, 1 2 नाउ। अब सेम राइट हैंड हमारा खत्म हुआ, राइट हैंड आप ऊपर लेके जाइए, 1 and 2। पूरी स्टेप कैसे होगी, हमारा खत्म हुआ था यहाँ पर, यहाँ से हमने करा 1 2 1 2 3 नाउ 1 2 3 4। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप आती है, उसमें आपको करना है राइट हैंड अप साइड खुलेगा, लेफ्ट हैंड डाउन, और आपका जो राइट लेग है वो ओपन होगा टोज पे। कैसे, 1 और आपका फेस जाएगा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड के रिस्ट को देखना है। कैसे, 1 नाउ 2 में आपको दोनों हैंड्स को नेक के पास चलाना है और लेफ्ट लेग टो पे करना है और आपको देखना है राइट हैंड साइड पे। कैसे, 1 2 नाउ आपको लेफ्ट हैंड साइड से राउंड होना है और लेफ्ट हैंड को ओपन करते हुए घूमना है, 3 नाउ राइट हैंड को ओपन करते हुए राइट साइड से घूमेंगे, 4। फिर से देखिए, हमने कहाँ खत्म करा, हम यहां से नॉर्मल आ गए थे, यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 नाउ 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 and 4। अब यहां से आपके लिरिक्स स्टार्ट होंगे, आप टर्न हो के आ गए। अब आपको करना है 1 राइट हैंड पलट के जाएगा, राइट साइड ओपन, और उसी को हम लेफ्ट हैंड से अपने हाथ को पकड़ेंगे, 1 and 2। फिर से 5 6 7 गो, 1 2 हाथ को पलट के लाएंगे, यहां हुआ यहां से नीचे से पलटेंगे और ऊपर, 5 6 7 गो, 1 2 नाउ। अब आपको राइट डायगोनल में पीछे जाना है, कैसे, 3 and 4 लेफ्ट राइट एंड 4। फिर से हमने कहां खत्म करा था, 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4। आप लोगों का लास्ट यहाँ खत्म हुआ। अब यहां से आप लोगों को लेफ्ट हैंड से घूंघट पकड़ना है, नीचे खींचना है और लेफ्ट हैंड से ऊपर खोलना है।
राइट से नीचे लाएंगे और लेफ्ट से खोलेंगे। जब हम नीचे लाएंगे तो हमारी हस्त मुद्रा कटकाबुक होगी और जब ऊपर खोलेंगे तो आपकी होगी मयूर। फिर से, और आपकी पोजीशन क्या होगी, यहाँ पे हमने खत्म करा, आपको उसी पोजीशन में करना है। 1 2 नाउ कृष्ण दिखाएंगे कैसे। 1 2 करा, अब हाथों को गोल घुमाते हुए कृष्ण बनाएंगे। जब हम हाथों को गोल घुमाएंगे तो आपका राइट लेग उठ के आगे आ जाएगा और आपका लेफ्ट लेग टॉप हो जाएगा। फिर से हमने यहाँ खत्म करा, यहाँ से करा 1 2 1 2 3। यहाँ जैसे ही होगा वैसे ही आपको राइट हैंड अप लेके जाना है, मोर मुकुट दिखाना है। फिर से 5 6 7 को यहाँ खत्म हुआ, 1 2 3 4 नाउ लेफ्ट हैंड से 1 देन राइट हैंड से 2 1 2। फिर से एक बार देखिए, लिरिक्स पूरा दिखा देती हूँ। हम टर्न हो के आ गए, हमने करा 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 देन 1 एंड 2। हमारा लास्ट यहाँ खत्म हुआ। अब यहाँ से आपको लेफ्ट साइड से टर्न्स करने, कैसे 1 2 3 4 5 आपको बैक साइड डायगोनल लेफ्ट बैक डायगोनल पे आपको वेट करना है। अब यहाँ से राइट हैंड को पीछे खींचेंगे 1 2 3। फिर से हमने टर्न्स लिए 1 2 3 4 5 नाउ हाथ देंगे राइट हैंड 1। अपनी बॉडी को पीछे साइड खींचेंगे और हाथ को सामने फेंकेंगे 1 2 3 नाउ राइट साइड से टर्न होंगे और लेफ्ट हैंड बाहर करेंगे 1 2 नाउ राइट हैंड वापस सामने आएगा और लेफ्ट हैंड को टर्न करते हुए हम सामने मुड़ेंगे। फिर से देखिए, हमारा यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से हम गोल घूमे 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 नाउ यहाँ से वापस पासोली दिखाएंगे 1 नाउ 1 एंड 2। अब आपका लास्ट खत्म हुआ राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट पे हमने खत्म करा, सॉरी राइट हैंड एंड लेफ्ट साइड क्रॉस में करेंगे, लेफ्ट साइड देन राइट साइड देन लेफ्ट में हल्का सा टिल्ट, फुल लेफ्ट में डायगोनल टिल्ट होकर हम बैठेंगे 1। बैठने के बाद हमको राइट हैंड वहीं रखना है और लेफ्ट हैंड से करना है 1 एंड 2। फिर से देखिए, हमने करा है 1 2 नाउ 1 1 2 3 नाउ खड़े होंगे 1 2 राइट लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड सर के ऊपर 1 2 3 थ्री में दोनों हैंड पास में लाके और राइट में देख के आपको राइट डायगोनल में आगे बढ़ना है, कैसे 1 2 3। फिर से पहले हैंड मूवमेंट देखिए, हैंड मूवमेंट आपको करना है, नीचे से घुमाएंगे 1 नाउ 2 में नेक के पास से गोल घुमाएंगे और 3 में ये थोड़ा सा गोल। फिर से, और आपको चलना कैसे राइट लेफ्ट राइट, एक बार और हम बैठे 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 लास्ट आपका
हुआ। अब यहाँ से आपको फोर डायरेक्शन के सर्कल्स करने हैं। कैसे? फर्स्ट आप सामने से गोल घूमेंगे और अपने राइट साइड पे रुक जाएंगे। फिर से वन, आपको सामने नहीं आना है, आपको पहले ही रुक जाना। अब आप यहाँ से शुरू करेंगे और आपको पीछे रुक जाना। देन आप बैक से स्टार्ट करेंगे एंड आपको लेफ्ट साइड रुकना है। फिर आप लेफ्ट से शुरू करके और सामने आ जाएंगे। फिर से देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3 एंड 4। आपने फोर डायरेक्शन सर्कल्स लिए। कैसे? 1 2 3 4। नाउ आपको लेफ्ट हैंड नीचे करना है और राइट हैंड से ये करते हुए पीछे जाना है। 1 2 3 आपको ये पोज देना है। फिर से देखिए, 5 6 7 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड एंड में आपको क्या करना है, आपका यहाँ का लंबा हुआ। अब यहाँ से आपको राइट हैंड घुमाना है, 1 एंड 2। फिर से राइट हैंड को घुमाएंगे, 1 2 टर्न सामने। ना आपको एक पलटा लेना है, 1 2 ना 3 पीछे आके और फिर वापस ऊपर आएंगे। और आपको राइट साइड देखता है, लेफ्ट हैंड अप आएगा, राइट हैंड नीचे आएगा और राइट हैंड राइट लेग आपका टोपे आ जाएगा। फिर से देखिए, हमारा यहाँ खत्म हुआ। यहाँ से करा 1 2 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट खत्म हो गया है। मैं आपको आज जो सिखाया है पूरा स्टार्टिंग से यहाँ तक पूरा म्यूजिक के साथ करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है।